रब्बा मेरे हाल तो महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू, तू है तू है दाना, मैं मनना सब कुछ मेरा। सल्तनत 15 अप्रैल से पीर से जुमा शब 9 बजे। अच्छा वो कुछ भी बोले ना, आपने बस हाँ में हाँ मिलानी है। मैं यहाँ हाँ में हाँ मिलाने नहीं आई। साहब जी आओ सानी। अच्छा स्टाफ रूम इधर है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। ये मेरी सिस्टर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। शुक्रिया। आप नहीं, आप खड़े रहें। अगले हफ्ते से इनके इम्तिहान है और इनका पढ़ाई में कोई दिल नहीं लग रहा। एरोप्लेन की स्पेलिंग तक ये गलत लिख रहे हैं। बताएं हम क्या करें। असल में ना गलती जाने की नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी घर में तवज्जो दी नहीं इसको, लेकिन इंशाल्लाह अब से पूरी कोशिश रहेगी कि तवज्जो भी दें और आइंदा आपको कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि क्लास में ये बहुत बातें करते हैं। बच्चे जब इनकी बातों पे हंसते हैं तो मजीद ऐसी बातें करते हैं। क्या कह रहे हैं टीचर? वो दोस्ती यारी में तो शुगल चलता है ना, और पढ़ाई तो चलती रहेगी लेकिन मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। सुन लिया? और ऊपर से क्लासरूम में मोबाइल फोन लेके आते हैं, क्लास में बीवी की कॉल्स आती हैं, पूरी क्लास का माहौल खराब होता है। तुम स्कूल में फोन लेके आते हो? मजबूरी है। किस बात की मजबूरी? आई एम सॉरी, आप बेफिक्र रहें, ना तो ये फोन लेके आएंगे अब से, ना किसी की कॉल आएंगी, और बाकी चीजें मैं देख लूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी मैम। तुम आज जरा छुट्टी के बाद घर तो आओ, बताती हूँ मैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज़। गलती कर दी इनको बुलाकर। और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्लासरूम में जाएं। जी टीचर। बीना भाई आओ। क्यों? अब देखो साथ का इंटरव्यू है, अखबार में तस्वीर भी है साथ में। हाय माशाल्लाह मौज सबके साथ साथ कहो भाई, तो देखो आके इंटरव्यू आया तुम्हारा अखबार में, तस्वीर भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा पुत्र। हाय इसके खाने पीने का मसला हल हो जाए ना तो बोटी चढ़ जाए तो और भी ज्यादा प्यारा हो जाएगा। हाय माशाल्लाह साथ मां सबके। जी अब्बा जी ये देखो बेटा तुम्हारा इंटरव्यू आया है, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। थैंक यू। मैं भी आया। कितने चार हाय मेरे साथ किकली तो डालता जा। अच्छा लग रहा है ना इंटरव्यू? अच्छा हीरो लग रहा है बिल्कुल आपकी तरह। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया है तुमने। दादी सारा किधर है? मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। हाँ क्यों नहीं। सारा सारा जरा बाहर आना। जी दादी आ रही हूँ। लेकिन सारा का शुक्रिया तो तुमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था ना। वो क्या है ना दादी, उसने मेरी इतनी ज्यादा मदद की इस प्रोजेक्ट में, मैं चाहता था उसे एक बार पर्सनली थैंक यू बोल दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटे। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, क्यों? मेरा अखबार में इंटरव्यू छपा है और कल टीवी पर भी इंटरव्यू देखा होगा तुमने। नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने, तुम्हारे बगैर शायद ये प्रोजेक्ट अप्रूव भी ना होता। तुम मुझे 10 बार थैंक यू कह चुके हो, अब इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगा शायद जरूरत थी इसलिए थैंक यू। इट्स ओके। साथ बेटा बीना भाभी को बता देना कि हम सारा का रिश्ता तय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है, अमेरिका में होता है, शकील के दोस्त का बेटा है।
बीना भाभी को बता देना कि हम सारा का रिश्ता तय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है, अमेरिका में होता है। जी खरीयत है, कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मेरा घर है, चहल कदमी कर रहा हूँ। क्यों, पक्की गाल है, कन्फर्म? हाँ तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा साथ, मेरा बच्चा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शकील साहब का घर है ना? मुझे असल में मैप से यही जगह मिली थी। हाँ वो ऊपर रहते हैं। ओके थैंक यू। अब बात सुने, आप शकील साहब के दोस्त के बेटे हैं जो अमेरिका से आए हैं? जी। सारा के रिश्ते के लिए आए हैं। जी आप कौन? मैं नीचे ही रहता हूँ, मेरे दादा और सारा के दादा बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। हमारी फैमिलीज बहुत क्लोज हैं। हम सबको पता होता है किसके घर में क्या चल रहा है। ऑलराइट दैट्स ग्रेट। आई एम साद, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू साद, आई एम ज़ैन। बेटा तुम्हारे अप्पा और ये शकील एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, उस हिसाब से तुम अब हमारे घर के बच्चे हो। थैंक यू दादी, बल्कि आप सच पूछें तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल अपनी अपनी वाली वाइब्स ही आ रही हैं। अरे तुम्हारे अब्बा और मैं इतने पक्के दोस्त थे स्कूल में, और यकीन जानो कि आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई। पापा अक्सर आपका जिक्र करते हैं, बल्कि आपके पुराने किस्से भी बहुत सुनाते हैं। अरे ऐसे ऐसे किस्से, लेकिन यहाँ नहीं बता सकता। बेटा तुम्हें पता है हमारी शादी के एल्बम में तुम्हारी अम्मी और अब्बू की बहुत सारी तस्वीरें हैं। उनकी शादी हमारी शादी से शायद 2 साल पहले ही हुई थी ना। अच्छा। ये संजीदा कहाँ रह गई है, अभी तक क्यों नहीं लाई सारा को? हे अम्मा अभी आ जाती है। अच्छा खैर बेटा ये बताओ कि तुम अपनी स्किन के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बड़ा जरूरी होता है। अंकल मैं तो कुछ खास नहीं करता, बल्कि सच पूछें तो मेरी तो कोई खास स्किन की रूटीन है ही नहीं। बेटा ये तो तुम बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हारे पास स्किन के लिए क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे इस्तेमाल में नहीं है? इतना तो कुछ मुझे पता ही नहीं अंकल इस बारे में। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं कर दूंगा सब कुछ। अरे हमारे पास बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, फिकर मत करो तुम। शकील आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं सारा से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा दरअसल हमारी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब इसमें क्या हर्ज है भाई, जिन दोनों को शादी करनी है आपस में वो एक दूसरे से बात कर लें, मिल लें, हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं है। हाँ मुझे भी कोई एतराज नहीं बेटा, बात कर लो।
थैंक यू। मुझे तो लड़का अच्छा लगा है। नहीं? साथ, साथ, तुझे पता है कल रात को मैंने क्या देखा? क्या? अब्बा जी वो अखबार देख के खुश हो रहे थे जिसमें तेरी फोटो है, और गुजरांवाला में ना सारे टब्बर ने फोन कार कार के मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। मामा शौकत तो जला ही हो गया, जोश में आके पूरे गुजरांवाला में 20 किलो मिठाई बांट दी उसने तेरे कारनामे से खुश होके। हाय मेरा पुत्र जींदा रहे। पुत्र साथ, साथ की हो गया, खैरियत है? सारा की बात पक्की हो गई। हाँ तो पता है मैनू, तो फिर लड़का मिला था मुझे बाहर। मिला होगा तो फिर? देखने में ठीक है। वहीद मुराद होगा फिर? अमेरिका में रहता। ओके फिर? शकील अंकल के दोस्त का बेटा। अब पुत्र ऐ भी मन पता है तो फिर? ना तेरा की मसला है। मुझे कोई मसला नहीं अम्मी, मुझे क्या मसला हो? पक्की बात है कोई मसला नहीं है? नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। कंफर्म है? कंप्यूटर जी लॉक कर दूं इसको? जी जी मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा बस ठीक है, बस फिर तू अब आके नाश्ता कर ले हमारे साथ बैठ के, ठीक है? जी ठीक है। चीयर अप। तो आपकी क्या मसरूफियात है? गलत सवाल। क्या मतलब? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए क्योंकि लड़की की जो मसरूफियात होती हैं वो शादी के बाद बदल ही जाती हैं, तो बेहतर है कि जो लड़के की मसरूफियात हैं वो जानना जरूरी है। तो चलें आप मुझसे मेरी मसरूफियात पूछ लें। नहीं मैं ये सुपरफिशियल सवाल करके अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करूँगी और आपका भी नहीं करूँगी। चलें फिर हम कोई डीप बातें करने पड़ते हैं। ज़ैन मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि अगर हमारी शादी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत होगी? गुड क्वेश्चन। लुक आई एम अ वन वुमन मैन एंड लॉयल्टी इज़ एवरीथिंग फॉर मी, सो बिलफर्ज हमारी शादी हो जाती है तो आपकी इम्पोर्टेंस मेरी ज़िंदगी में क्या होगी वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। इम्प्रेसिव। तो फिर तो हमारे रिश्ते की बुनियाद ट्रांसपेरेंसी पे होनी चाहिए। Absolutely. वैसे आपने अच्छा किया इस तरह अकेले बात करने का कह दिया। आई एम अज्यूमिंग के कुछ खतरनाक आने वाला। ज़ैन एक्चुअली मैं किसी से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क क्यों पड़ना चाहिए? आप मुझसे शादी करने आए हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किसी से मोहब्बत करती थी। ठीक हाँ लेकिन मोहब्बत कोई नौकरी तो है नहीं कि जब रिजाइन कर दिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन जब रिजाइन दे दिया तो बात खत्म होने की शुरुआत तो हो गई ना। तो आपको कोई एतराज नहीं है कि मैं किसी से मोहब्बत करती थी? देखिए मुझे आपके साथ माजी नहीं मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है। तो आपको ये भी एतराज नहीं है कि मैं जिससे मोहब्बत करती थी उसको भुलाने में मुझे कुछ वक्त लगेगा? मैंने कहीं पढ़ा था कि पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरी मोहब्बत कर लें, और आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सात समंदर पार से एक शहजादा खुद चल के आपके पास आया। थैंक यू फॉर व्हाट? इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए ना। थैंक यू
किस लिए? इतना ऑनेस्ट होने के लिए। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। मैं अमेरिका में कराची के खाने बहुत ज्यादा मिस करता था, सो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्हाई डोंट यू गो विद मी? ओके ग्रेट। यास्मीन ने तो मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। लड़के ने कहा कि मुझे सारा से मिलना है और तुमने बगैर लम्हा ज़ाया किए फौरन आमी भर ली। खाला जान, इन दोनों ने अच्छा ही किया। लड़का लड़की एक दूसरे को जान रहे हैं, बात कर रहे हैं। अपनी बात भी रखनी चाहिए, फौरन हाँ नहीं करनी चाहिए। माँ जान, जितना जल्दी लड़का लड़की आपस में मिलेंगे उतनी जल्दी बात बढ़ेगी आगे। तुम्हें किस बात की जल्दी है? मीटिंग में जाना है। नहीं, उस लड़के के सामने भी तुमने अपनी कंपनी के गुण गाने शुरू कर दिए। अरे कहीं तो अपनी दुकानदारी छोड़ दिया करो। अरे अम्मा, मैं तो उसको मशवरा दे रहा था। तो देखें खाला, आजकल लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे से बात करते हैं और अब इस बात का बुरा कोई नहीं मनाता है। तुम अपनी राय अपने पास रखो, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। मशवरा अपने पास रखो, क्या की गई? अरे भाई बहुरानी, ए बहुरानी। हाँ जी अब्बा जी। भाई मैं जरा ऊपर जा रहा हूँ रजिया सुल्ताना के पास। अब्बा जी मैंने गाजर का हलवा बनाया, इतना सारा खोया डाल के, ये आसा भी गार नहीं है, चांस लगा है आप खा ले। भाई मैं आके खा लूंगा, असल में सारा के रिश्ते की बात चल रही है। वो लड़का आया हुआ है तो जरा उससे भी मिल लूं, रजिया सुल्ताना ने बुलाया है। जैन बेटा, ये मेरे अब्बा के बचपन के दोस्त हैं। नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं। तो भाई तुम जैन हो? हाँ भाई। भाई शकील मियां, क्या याद दिला दिया तुमने अपने बाप को मुझे। भाई इसका जो बाप था वो मेरा बेहद जिगरी यार था, बहुत बेवफा था, जालिम कहीं का। अब्दुल गनी, मेहमान का लिहाज कर लिया करो। मेहमान काहे का, अब तो ये हमारा घर का बच्चा हुआ। बैठो बेटा बैठो, आए बैठ जाओ। पता है इसका बाप मेरा जिगरी यार क्या कहता था? कहता था, हरी सारी जिंदगी हम एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। फिर ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सी छोड़ के चला, बेवफा। आप साथ के दादा हैं? नहीं, साद मेरा पोता। जैन बेटा, साद को कैसे जानते हो तुम? जी बाहर मिला था मुझे, तो उसी ने तो मुझे बताया कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं, और उसने ये भी बताया कि आप लोग सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। और क्या कह रहा था वो? और तो कोई बात नहीं हुई। जैन नाम है ना तुम्हारा? जी। जैन मिया, यानी सारा जैसी बेटी जिंदगी में मिलना एक बहुत बहुत बड़ा तोहफा है। यूं समझो कि तुम्हारी कोई नेकी काम आई है या माँ बाप की दुआ लगी। बहुत खुशकिस्मत हो तुम मियां। मुझे भी ऐसा लगता है। साद माशाल्लाह इंजीनियर है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इजाद किया है। वाओ, दैट्स ग्रेट साद। लेकिन
तुम हमेशा इतना चुप चुप होते हो या फिर मेरी वजह से शर्मा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जब ये बोलना शुरू होती है तो चुप ही नहीं करती। मतलब मुझे पहले से केयरफुल होना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो साथ, it was nice to meet you. चलो, I think I'll leave. Okay. I'll see you guys. Hello, office. लड़का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अम्मा जान मुझे भी, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, अच्छे खानदान का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारा बहुत कंफर्टेबल है। बस तो आप फौरन बात आगे बढ़ाएं, उसकी फैमिली को पाकिस्तान बुलवाएं और निकाह पढ़वाएं। यास्मीन छुरी तले दम लो, निकाह की क्या जरूरत है, पहले मंगनी करो। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, देखो ना, बाजार सब कुछ अच्छा है लेकिन 3-4 महीने मंगनी रखना अच्छा होता है। वक्त के साथ साथ इंसान की समझ आती है कि किस मिजाज का है। पहली मुलाकात में तो हर कोई अच्छा बनकर दिखाता है। वाह, अम्मा जी की बात में दम है। तुम्हारी अम्मा ने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटे। हालांकि एक सफेद नजर नहीं आ रहा। आप लोगों ने अच्छा भी किया मेरे साथ। अब क्या आफत आन पड़ी है? अरे एक मिनट, इस मौके की मुनासबत से ना एक शेर की आमद हुई है, पहले वो मैं सुना दूँ, उसके बाद तुम अपनी बात कर लेना। अरे नाजिया जल्दी सुनाओ, मैंने इन लोगों से बात करनी है। अर्ज किया है, आपकी इस वाली हरकत ने जानी का दिल तोड़ दिया, बहन का रिश्ता तय कर दिया और भाई को पीछे छोड़ दिया। वाह वाह वाह, इसकी तशरीह भी कर दो, सर से गुजर गया मेरे तो। अब्बा हुजूर, इस शेर की तशरीह मैं करता हूँ। इस शेर में शायर कह रहा है कि आप लोगों ने सारा बाजी का रिश्ता तो तय कर दिया लेकिन मुझसे पूछा तक नहीं, ये कहाँ की इंसानियत है? बहुत अच्छी। देखो जानी, अभी ना हमारी तरफ से हाँ हुई है ना उनकी तरफ से हाँ हुई है, सिर्फ एक मुलाकात हुई है। फिर भी मैं इस घर का बेटा हूँ, कम से कम मुझे बिठाना तो चाहिए था साथ। अच्छा, इससे क्या होता? थोड़ा रोब बना रहता है ना। रोब डालने की जरूरत क्या थी? अम्मा जान मैं बताती हूँ, ये सब किया धरा इसका है, इस नाजिया का, इसी ने चाबी भरी है जानी को। हाय अल्लाह, मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रही है? क्योंकि तुम कसूरवार हो। जिस तरह तुमने शेर सुनाकर ये बात छेड़ी है ना, मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम ही ने आग लगाई है। अल्लाह माफ करे, पहले जमाने में शायर इनकलाबी हुआ करते थे और अब फसादी शायर पैदा हो गए। आप लोग इस बिचारी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? ये कोई बिचारी नहीं है और तुम अपना मुंह बंद रखो। ना। पता है तुम्हारे स्कूल से कितनी खराब रिपोर्ट आई है? तुम जाओ, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ, दोनों निकलो यहाँ से। यासा, वो बंद कर दे अखबार को, हिफ्ज करना आपका इम्तिहान नहीं है, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। यासा, मुझे ना लगता है साद बड़ा सैड है आजकल, जब भी सारा की शादी की बात होती है और सैड हो जाता है। हैं? मगर क्यों? पता नहीं, 2-3 बारी नोट कीता है मैं, जब भी सारा की शादी की बात होती है बुत बन जाता है। बुत? बुत क्यों बन जाता है? अल्लाह जाने, कंफर्म बात तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है साद कहीं सारा को पसंद तो नहीं करने शुरू हो गया। बस कर दो, खुदा का वास्ता है, पहले ही 2 दफा जलील हो चुके हैं इस गलतफहमी के चक्कर में। हाँ पर इस बार गलत फहमी नहीं है ना, पहले भी ऐसे ही लग रहा था, ऊपर वालों को भी ऐसे ही लग रहा था, फिर बाद में क्या निकला? पहले बात और थी, अब ना कहानी में ट्विस्ट आ गया। जाने दो बिना, सारा का रिश्ता कहीं और तय हो रहा है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। वो बात तो ठीक है यार साहब, लेकिन मुझे लगता है अगर सपोज साथ को सारा से मोहब्बत हो गई हो, फिर कोई फिल्म चल रही है क्या कि हीरो ने पहले हीरोइन का दिल तोड़ा फिर बाद में उसी से मोहब्बत हो गई? हाँ ड्रामों में भी ऐसा ही होता है। ड्रामे कम देखा करो। अम्मी मैं जिम जा रहा हूँ।
साथ बेटा रुको जरा। अरे पूछ लेने दो ना। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा बता रही है कि सारा के रिश्ते की बात सुन के तुम्हें कोई परेशानी होती है। ऐसी कोई बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी को शायद कोई गलत फहमी है। हाँ मैं भी ये कह रहा था। जाओ जाओ शाबाश जाओ बेटा। देख लिया तसल्ली हो गई। ये पानी कहां से आ रहा है? मुझसे गिर गया था, कर दूंगी साफ। वैसे संजीदा इस नाजिया को भी देखो, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए इस घर में आए हुए, लेकिन अभी से इसके पर निकलना शुरू हो गए। जानी को भड़का रही है कि सारा के रिश्ते के मामले में हमने जानी को शामिल क्यों नहीं किया, भला बताओ। क्या कह सकते हैं, यहां तो सबको अपनी ही पड़ी है। इस बात का क्या मतलब है? उस दिन जब सब तुम्हारी मेकअप की तारीफ कर रहे थे, तुमसे इतनी तौफीक नहीं हुई, जहमत नहीं कर सकती थी कि मेरा जिक्र कर दो? ये बात अचानक से कहां से आ गई? अचानक से नहीं आई है, ये बात उस दिन से मेरे दिल में है। भाई तुम मेरा नाम तो ले सकती थी ना। बड़ी घुन्नी हो तुम। इसमें घुन्नी की क्या बात है भाई? तुम कह सकती थी कि तुम्हारा मेकअप संजीदा ने किया है? नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेकअप करना तुम्हारा काम है। तुमने मुझ पे कोई एहसान तो नहीं किया? ये लो, इंसान बेमरव्वत हो लेकिन इतना नहीं। तुम्हें ना बात का बतंगड़ बनाने का शौक है। मैं हक बात करती हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी। लड़ाई करने का मूड है? नहीं मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हारा है तो बता दो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। ठीक है तो ये लो खाना, तुम पकाओ मैं चली। साद माशाल्लाह एक इंजीनियर है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। मुझे माफ करने के लिए थैंक यू साहब, लेकिन मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। तुम्हारी अम्मा बता रही है कि सारा के रिश्ते की बात सुन के तुम्हें कोई परेशानी होती है, कैसी बात है? संजीदा इस तरह शोर मत करो। जिसमें गुजरती उसी को पता होता है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मसल पुल हो गए उसकी वजह से दर्द हो रहा है, और मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, ये तेल की मालिश और सिखाई करती रहेगा, आराम आ जाएगा। डॉक्टर साहब एक्सरे ना करा ले? अगर आप अपनी तसल्ली के लिए करवाना चाहें तो बेशक करवा लें, वैसे जरूरत नहीं है। अगर फ्रैक्चर हुआ होता तो इतने सुकून से लेटी ना होती। ये मैं आपको सुकून से लेटी भी नजर आ रही हूँ, चाली डॉक्टर। तमीज। अरे चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही, दवाई लगी तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। कहाँ आराम आ जाएगा, खुदा करे तुम भी ऐसे ही करो, तुम्हें भी इतनी तकलीफ हो। चाली डॉक्टर, वैसे डिग्री कितने पे खरीदी थी? संजीदा लिहाज करो, ये स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थो के। तुम चुप करो, सारी मेहनत मेरी, सारा टैलेंट मेरा, और छोटे मुत तारीफ नहीं कर सकी। अच्छा मेरे ख्याल में हमें यहाँ राशनी लगाना चाहिए, ऐसे आराम करने की जरूरत है। चलें चलें, आ जाओ बेटा, लेट्स। वैसे डॉक्टर साहब दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, खैर है, होता है। डॉक्टर साहब आपकी स्किन बड़ी ड्राई हो रही है, लगता है कुछ सस्ता साबुन इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, हमारी अपनी बनी हुई एलोवेरा। भाईजान दुकान अपनी आके बाहर चलाओ। डॉक्टर साहब आइए आइए, डॉक्टर साहब आइए, मैं डॉक्टर को छोड़ के आता हूँ।